हम चंदन मिश्रा सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल छी। सर्वप्रथम चेतना समिति संगीत सुधा फाउंडेशन के द्वारा 5 दिवसीय ई निःशुल्क कार्यशाला राखल गेल, जाहिमे मिथिला के लोकगीत संगीत के हमरा सबके सिखायल गेल, जाहि के लेल सहृदय से हम रंजना मैम गुरु माँ के प्रणाम कर रहल छिए। और हमरा सबके कंधा पर एक नया भार देलथि हन कि हम सब ई गीत संगीत के मिथिला के जन जन तक पहुँचाबी और युवा के जते से ज्यादा जोड़ी, ताकि ओ हमरा सबके लोकगीत पारंपरिक गीत के सुनैत और ओकरा समझैत और परम्परा मिथिला के बचल रहे। तै के लेल हम सब पूर्णतः कोशिश करबे, तै के लेल हम सब गुरुजन के आशीर्वाद चाही। धन्यवाद। प्रणाम सब गोटे के, हम श्याद्या मिश्रा। ई कार्यशाला हमरा सबके लेल बहुत नीक रहल, बहुत सफल रहल, और हम रिक्वेस्ट करबनि यंगस्टर्स सबसँ जे ई कार्यशाला के लेल हमेशा अपन कल्चर अपन परम्परा के लेल हमेशा आगू बढ़त और एहि के लेल हमेशा कार्य करत और अपन संस्कृति के विश्व स्तर तक पहुँचाबे के कोशिश हम सब करब हमेशा। धन्यवाद। ये जो 5 दिनों की कार्यशाला थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पहली बार मैं फोक से अवगत हो पाई। अभी तक सिर्फ सुना था, लेकिन इसकी जो डिटेल जानकारी है वो रंजना मैम के द्वारा जो हमें मिली गई इतनी कम समय में, इतनी डिप, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू। मैं सत्यम शेखर 5 दिनों के इस कार्यशाला से जुड़ा और आज मुझे अपना अनुभव बताने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। 5 दिनों का जो मेरा अनुभव रहा है वो बहुत, मैं मतलब शब्दों में बता नहीं सकता। लोक संगीत बचपन से सुना है, कभी इतना झुकाव नहीं हुआ इस तरफ, और 5 दिन ये कार्यशाला करने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकगीत से एक अलग जुड़ाव हो गया है। शास्त्रीय सुगम संगीत तो गाता ही था, बट लोक संगीत भी अब गाने की इच्छा हो रही है और नया नया सीखने की इच्छा हो रही है। 5 दिनों में जो मैम से सीखा, रंजना झा मैम जी ने जो सिखाया, बहुत एक अलग अनुभूति है। मैं चाहूँगा मैम से कि वो आगे भी ऐसा आयोजन करें और हम लोग जैसे युवा वर्ग के लोग भी इससे जुड़ें, और काफ़ी लोग जुड़े हैं और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस थैंक यू। मेरा नाम वंदना देवी है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोक संगीत के कार्यशाला में जुड़े। मैम रंजना मैम हमें बताई कि मैथिली भाषा में किस तरह से शब्द को लेना चाहिए, क्योंकि कि मेरा थोड़ा थोड़ा भोजपुरी आ जाता था और मैं कभी एक एक गीत में हम एली को एली बोल दिए तो मैम हमको समझाई कि नहीं, मैथिली भाषा में एली बोला जाता है, और बहुत तरह के हमको ज्ञान मिला और हमको बहुत अच्छा लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन आनंद और पटना में जो मिथिला की वर्कशॉप हुई है इससे जुड़ के बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा, क्योंकि हमारे कल्चर हमारी संस्कृति जो है उससे जुड़ने का मौका बहुत ही कम मिलता है और आजकल के टाइम पे तो बिल्कुल मिनिमम हो चुका है, जैसा अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संगीत सुधा फाउंडेशन और चेतना समिति का कि ये उन्होंने 5 दिन की वर्कशॉप चलाई, जिससे मेरे जैसे काफ़ी युवकों को, नवयुवकों को, या फिर जो नए लोग हैं या जो 40+ भी हैं वो भी जुड़े, तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बस यही आशा करूँगा दोनों फाउंडेशन से कि फ्यूचर में इसे बार बार आयोजित किया जाए। धन्यवाद। संगीत सुधा फाउंडेशन के तरफ से 4-5 दिन के जो वर्कशॉप रखल गया छल, तैसँ अपना मिथिला माटी से जुड़े के मौका मिलल, जे अपन मिथिला माटी के जे गीत संगीत ये जकरा हम सब आइ काल्हि भुलाएल जा रहल छी, तेकरा तैसँ जुड़े के मौका मिलल। एहिके लेल हम संगीत सुधा फाउंडेशन आ मैम श्रीमती रंजना झा मैम के बहुत बहुत धन्यवाद करै छियनि। हम सिक्ता उस्मम, हमर जन्मभूमि है मिथिले के, लेकिन हमर सासुर भ गेल पटना, तो की करूँ, यहाँ तो सब मगही भाषा के बीच में घिरल, अपन मिथिला भी भूलल जात रहलौ। 26 वर्ष भ गेल हमर शादी के, लेकिन यहाँ चेतना समिति और संगीत सुधा फाउंडेशन के तरफ से ई कार्यक्रम आयोजन करल गेल, हम बहुत खुश भेलौ कि पटना में भी हमर माटी के सुगंध आयत, एहि लेल हम एहिमे भाग लेलहुँ कि कुछ तऽ अपन माटीके भाषा परिवेशमे निवेश करूँ। एहि लेल हम बहुत किछु भूलि गेलहुँ रहय, बहुत किछु याद आयल, हमर गीत संगीत, आओर बहुत छोटामे दादी सबसँ, बहुत छोटमे हम दादी सबसँ सुनैत रहलहुँ गीत सब, कि उठ सुत गौरा शिवके मनायो, करू 2 बीघा खेत यो, एकर मतलब तऽ हम समझबे नहि करैत रहलहुँ, लेकिन आब धीरे धीरे ई कार्यशालामे आबिके कि दादी सबमे कहैत रहलहुँ कि की सब गबै छियै, हमरा कुछ नहि समझमे आबैए, किएकि अभी नहि समझबी तू बादमे समझबी, तऽ वही कार्यशालामे
हम बहुत कुछ सीखक मिलल हमरा, बहुत कुछ समझलो। और एक लेल हम धन्यवाद दै छी रंजना झा के, श्रीमती रंजना झा के, कि हमरा सबके फेर अपन माटी से जोड़ लेलक जे बिसरल जात रहली। एहि खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी चेतना समिति और संगीत सुधा फाउंडेशन के। मैं अर्चना कुमारी रंजन, इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में हम लोगों ने लोक संगीत का सीखा जो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो क्लासिकल वर्कशॉप बहुत बज किया मैंने, लेकिन इस वर्कशॉप में बहुत अच्छा लगा लोक संगीत के बारे में जानकर, उनके गीतों को जानकर, लोक गीतों को जानकर बहुत अच्छा लगा। और एक ही कमी लग रही है कि यह वर्कशॉप 5 दिनों के लिए था। मैं चाह रही थी कि यह थोड़ा और लंबा रहता तो और अच्छा लगता और अच्छे से हम लोग सीख पाते। तो मैम से रिक्वेस्ट करें कि मैम अगले बार जब आप रखिएगा तो ये 5 नहीं 10-15 दिनों के लिए रखिएगा। थैंक यू। हम मिथिला के बेटी जूही रानी अहाँ सब गोटे के प्रणाम करै छी। ये कार्यक्रम बहुत नीक रहल, बहुत कुछ सीखवा के मिलल। हम मैम से आग्रह करै छी कि एहन कार्यक्रम आगे और बढ़ायल जाए। मिथिला अपने आप में बहुत परेशान छै, हमरा गर्व यऽ कि हम मिथिलांचल की बेटी छी। और की कहू, जय मैथिली, जय मिथिला, धन्यवाद। प्रणाम, हमर नाम भेल नूतन, हमहूँ मिथिले के बेटी छौ, लेकिन हमर ब्याह मगही में भए गेल। हम खोजत रहौ मिथिला के, कहै छै ना कि अपन माटी अपन सुगंध, आइ हमरा कतेक दिन के बाद एहिठाम भेटल। ओ ई संगीत सुधा फाउंडेशन चेतना मन से जुड़ के 5 दिन में एते सुंदर सबके पेशेंसली सबके समेटने, एते सुंदर मिथिला के सब गीत लोकगीत भजन सिखेलक कि कहबा के कोनो बाते नहीं। कोनो सब दिन का लब बहुत छोट है और एकरा से आगू हम की कहूँ। सब गोटे के हमर प्रणाम। अहाँ सब गोटे के हमर प्रणाम। सबसे पहले तो गुरु माँ डॉक्टर रंजना झा और संगीत सुधा फाउंडेशन चेतना समिति के बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ अतेक नीक कार्यशाला के आयोजन के लिए अहाँ एकटा मिझल देव के जरैले के काम के लिए। ये कार्यशाला 5 दिन की नहीं होबक चाहिए, ये कार्यशाला ता उम्र भी चलते तैयो कम पड़ जाते हमरा ख्याल से। ई लागे हमरा बड़ नीक लागल और हम आइकल के युवा से भी यह आग्रह करै छी कि अहाँ सब भी आई कार्य के कार्यशाला से आगे भी जुड़ू और जतिक हो सके अपन पारंपरिक गीत संगीत से जुड़ल रहू। प्रणाम। हम चंदन मिश्रा सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल छी। सब प्रथम चेतना समिति संगीत सुधा फाउंडेशन के द्वारा 5 दिवसीय ई निःशुल्क कार्यशाला राखल गेल, जाहिमे मिथिला के लोकगीत संगीत के हमरा सबके सिखायल गेल, जाहि के लेल सहृदय से हम रंजना मैम गुरु माँ के प्रणाम कऽ रहल छियै। और हमरा सबके कंधा पर एक नया भार देलथि हन कि हम सब ई गीत संगीत के मिथिला के जन जन तक पहुँचाबी और युवा के जते से ज़्यादा जोड़ी, ताकि ओ हमरा सबके लोकगीत पारंपरिक गीत के सुनत और ओकरा समझत और परम्परा मिथिला के बचल रहे। तै के लेल हम सब पूर्णतः कोशिश करबे, तै के लेल हम सब गुरुजन के आशीर्वाद चाही। धन्यवाद। आज इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ लोकगीत सीखने का शुभ अवसर मिला। बहुत सारा कुछ लोकगीत में हम सब सीखें और इसी तरह मैम को और चाहेंगे कि इस तरह का 5 दिवसीय और जो भी है 10 दिवसीय वर्कशॉप कराया जाए और हम सबको लोकगीत सीखने का बहुत अच्छा मौका मिले। थैंक यू सो मच। प्रणाम, मेरा नाम सविता है। ये 5 दिन का वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी गुरु माँ को जिन्होंने हम लोग को सिखाने का मौका दिया। नमस्कार, मैं हूँ रानी सिंह। मैं किनको धन्यवाद दूँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो भी मिथिला से जुड़े लोग हैं, सबसे पहले तो अपनी गुरु माँ रंजना झा और जो भी उनसे उनके टीम जो भी इस कार्यशाला के लिए मेहनत की 5 दिनों का, मैं चाहूँगी कि ये 5 दिन का नहीं बल्कि ये हर महीने में हो, हर महीने 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 कार्यशाला चले और पारंपरिक गीत का ये दौर चलता रहे। इवन हम लोग जो भी अभी सीख रहे हैं, जो भी सीखें उसमें मुझे जैसा लगता है कि 17 साल से लेके 30-40 साल तक के लोग थे, तो मैं चाहूँगी 17 से भी कम लोग हों और हमारे पारंपरिक चीज़ को सीखते आए
और बहुत दूर तक ये जाए, इसको रोकने वाला कोई नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, मेरा नाम अंकित आनंद है। मुझे ये पाँच दिन की वर्कशॉप में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो दिन ब दिन इतना ज़्यादा ग्राम को भूला जा रहा है, इसी कारण से ये जो वर्कशॉप के द्वारा हम अपने ग्राम के नए नए पुराने रीति संस्कृति को भूल रहे थे, इसी कारण हम इसे इस संगीत सुधा फाउंडेशन और चेतना समिति को धन्यवाद देते हैं। गौर लागे छी सबका, और सबसे पहले हम गौर उनका लागे छी जे हमरा ई मौका दिलैत कि हम अपन हमरा इतने सीखे का, हम बहुत अपना पर गर्वान्वित महसूस करे छी जे हमरा ई मौका भेटल, और हम धन्यवाद करे छी संगीत सुधा फाउंडेशन और चेतना समिति का, और जे तरह जे प्रगति पर आइ हमर सबके मिथिलांचल बढ़ रहल है, हम या वादा करे छी कि एक टाइम पर हम ई मिथिलांचल के परचम पूरा दुनिया में लहराएब।